सभी लोग को यूट्यूब चैनल मैथ वाले बाबा के क्लास पर दोस्तों देखिएगा, बहुत शानदार का क्वेश्चन है। ये टर्म्स दिए गए हैं दोस्तों, ये सारे टर्म्स कैसे हैं, एपी में है। यहाँ पे कुछ टर्म्स मिसिंग है जो आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये सारे टर्म्स जो है सब किस में है, ये एपी में है। यानी एपी का पहला टर्म्स क्या है, मिसिंग है। यानी सेकंड टर्म्स क्या है, 13 है। थर्ड टर्म्स क्या है, मिसिंग है। और फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया है सबसे पहले आप उस पर फोकस करिए। क्या दिया है बच्चों, A2 का वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है, A2 का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 13 दिया है। यानी A2 को लिख सकते हो A+ का D इक्वल टू कितना, 13, इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या दिया है बच्चों, A4 का वैल्यू दिया है। A4 का वैल्यू क्या दिया है, 3। A4 को क्या लिख सकते हो, A+3D, A+3D इक्वल टू क्या दोस्तों, 3। इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, इस पर आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट दोस्तों, प्लस माइनस, 3d में से 1d जाएगा, माइनस का 2d इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा 10। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो d का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा दोस्तों। देखिए d का वैल्यू आपने निकाल दिया, माइनस का 5, और d मिल गया। d का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में फिल करिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, a प्लस प्लस d माने क्या, माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 13। अब 5 को उधर भेजेंगे तो a इक्वल टू क्या, 13 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 इक्वल टू a। यानी a बराबर आपको क्या मिल गया, 18 मिल गया। अब a 18 मिल गया, a माने फर्स्ट टर्म, माने कितना, पहला मिसिंग टर्म्स 18 होगा। अब चलिएगा, आपको a3 निकालना है। a3 बराबर a+2d। a का वैल्यू कितना आपने निकाला, 18 प्लस 2 मल्टीप्लाइड d माने कितना, माइनस का 5। 18 ये मल्टीप्लाई आप करेंगे माइनस का 10 और माइनस करिए आप 8। यानी बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए बहुत ही शानदार का क्वेश्चन था दोस्तों, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को सीखने के लिए मैथ वाले बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मौज करिए, मस्ती करते रहिए मैथ वाले बाबा के चैनल से। एक एक टॉपिक को लेकर अपने पूरे मैथमेटिक्स में मेहनत करिए और अपने एक एक टॉपिक को बेहोश करिए और मैथ सीखिए। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।